हरे कृष्णा। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन सी दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लाइफ नहीं बल्कि किसी और की लाइफ जी रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा यू नो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके सेलिब्रिटीज या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइक व्लॉगर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स। लोग इनकी तरह ही अपनी लाइफ को करना चाह रहे हैं और ऐसा ही जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इस तरह से जो रियल में हम हैं, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, वो कहीं खोता जा रहा है। हम सब अपने आप में बहुत ही यूनिक हैं। हम सब किसी न किसी अच्छे, बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी और टैलेंट के साथ में इस दुनिया में आए हैं। सो वी शुड रिकॉग्नाइज इट एंड नेवर इमिटेट अदर्स। लाइक एक हनी भी है जो कि हनी कलेक्ट करने के लिए बनी है, और उसका काम है सारे फ्लावर्स में जाकर हनी कलेक्ट करना। और एक तरफ है फ्लाइज, मक्खियां, जो कि पूरा जीवन कूड़े कचरे में, गंदगी में जाके बैठती हैं और हनी बनाने जैसा कोई काम भी नहीं करती। लोगों को एक हनी भी की तरह होना चाहिए। बट नाउअडेज वी सी दैट पीपल आर बिकमिंग मोर लाइक फ्लाइज। तो हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए मिली है, बट हम अपनी लाइफ को फ्लाइज की तरह करते जा रहे हैं और इन्हीं गंदगियों को फॉलो करते जा रहे हैं अच्छी चीजों को फॉलो करने के बजाय, और अपनी लाइफ में कूड़ा कचरा भरते जा रहे हैं। एंड देयर इज ओनली वन प्रोसेस जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिला सकती है, जो हमें एक हनी भी बना सकती है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी। तो सपोज हनी भी एक इंसान है हु इज सीकिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड द फ्लावर्स वो हमारे स्पिरिचुअल पीपल हैं या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स हैं विच कैन गिव अस द रियल नेक्टर ऑफ अवर लाइफ। तो ये साधु संघ और हमारे ग्रंथ ही हमें हनी भी बना सकते हैं। और ये जो फ्लाइज है वो ये रैंडम लोग हैं जो एक मीनिंगलेस लाइफ बिता रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। जैसे एक फ्लाई को कभी पता ही नहीं चलता कि वो अपना पूरा जीवन कूड़े कचरे और गंदगी में ही बिताती है। सो ये जो रैंडम लोग हैं वो बस यूजलेस चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। दे आर जस्ट बिहाइंड टेम्पररी थिंग्स, टेम्पररी अचीवमेंट्स और टेम्पररी फेम जस्ट बाय सीइंग अदर्स, और ये कभी भी अपनी लाइफ का रियल मीनिंग नहीं जान पाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक फ्लाई की लाइफ कैसी होती है। वो पैदा होते हैं, गंदगी में ही बैठते हैं, गंदगी में उड़ते हैं, एंड दे डाई। एंड व्हेन यू सी अ हनी बी, वो अपनी पूरी लाइफ फ्लावर्स के साथ बिताती है, फ्लावर्स से रस कलेक्ट करती है और उसका हनी बनाती है, और जब वो मर भी जाती है तो भी उसकी हनी हमारे कितने काम आती है। उस हनी में कितनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। और सिर्फ हनी ही नहीं, या फिर हनी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही नहीं, बल्कि हनी हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं कि अगर हनी भी इस दुनिया से चली गई, अगर एक भी हनी भी नहीं बची, तो हम इंसानों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। तो हनी बी का हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक हनी बी की लाइफ कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें भी एक हनी बी की तरह बनना चाहिए। ये जितने भी फ्लावर्स हैं, मीन्स जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें उनसे स्पिरिचुअलिटी के रस को लेना है, जीवन के उद्देश्य को जानना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, हमें उनसे वो सीखना चाहिए। और अगर हमने अभी इसे नहीं सीखा, नहीं समझा, नहीं जाना, तो हमारी पूरी लाइफ एक फ्लाई की तरह वेस्ट हो जाएगी। हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों हम अपना कीमती समय दूसरों की लाइफ जीने में लगा रहे हैं? क्यों हम अपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहे हैं? Why people are learning from a fly but not from a honeybee? तो इस बारे में आप जरूर सोचेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, a fly और a bee? तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए हरे कृष्णा।